अंकल संतरे देना 1 किलो। अच्छा बेटा देता हूँ। बेटा वो आपकी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, मैं सब बोल दो गाड़ी बंद कर दे, बिना मतलब तेल चल रहा है। अंकल आप संतरे दो फिर हम निकल रहे हैं। बेटा मैं तो इसलिए बोल रहा था कि बिना मतलब तेल जल रहा है और हमें जितना हो सके तेल बचाना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। और फिर तेल कौन सा फ्री में आता है, वो भी पैसे से आता है, पैसे बचाएंगे। अरे वो बुड्ढे, ज्यादा ज्ञान देने की ना जरूरत नहीं है। और मुझे मत पता क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमारे माँ बाप ने ना इतना पैसा कमाया है कि अगर वो अपनी गाड़ी पूरे दिन भी स्टार्ट रखे ना तब भी फ्यूल खत्म नहीं होगा। खुद की साइकिल लेने की औकात नहीं है, आए ज्ञान देने, फ्यूल बंद कर दो। कभी बैठे हो ऐसी गाड़ी में? ये दो। बेटा बैठा तो नहीं हूँ ऐसी गाड़ी में, पर अब इससे भी अच्छी वाली गाड़ी में बैठने वाला हूँ। इससे भी अच्छी गाड़ी? हाँ बेटा। अच्छा हाँ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सागर ये बुड्ढा मुझे फालतू ज्ञान दे रहा है कि गाड़ी बंद कर दो फ्यूल खत्म हो रहा है। अच्छा अभी पैदल चलने वाले कार वालों को ज्ञान देंगे? पैदल? सागर ये तो बोल रहा है ये इससे भी अच्छी कार लेगा। हाँ क्यों नहीं अंकल, सपनों में तो बैठ ही सकते हो, और हाँ सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात हमेशा अपने औकात के हिसाब से करनी चाहिए। बेटा इसमें औकात की क्या बात है, हमें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचाना चाहिए, इसलिए कह रहा था मैं तो। अरे भाड़ में जाए जनरेशन, हम आज में जीने वाले हैं और ऐसे ही जीते रहेंगे। अरे हमारी गाड़ी है, हमारा जैसा मन करेगा हम वैसे फ्यूल फूकेंगे, हमारे बाप का पैसा है। अरे बुड्ढे तुझे क्या दिक्कत हो रही है? बेटा मैंने मान लिया कि आपके बाप का पैसा है, पर उनका भी तो मेहनत का ही होगा ना। अरे ओए तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर तू अपने बच्चों के लिए नहीं कमा पाया तो उसमें तेरी गलती है ना, हमारी गलती थोड़ी ना है। अगर हमारे बाप ने कमाए वो हमारे लिए कमाए, इससे हम इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और आराम से मौज ले रहे हैं। और वैसे भी सोरा इसके बच्चे इसको कोसते होंगे कि भगवान ने हमारे को कैसा बाप दिया जो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बच्चों के पास साइकिल तक भी नहीं होगी। आया बड़ा कार लेने वाला। सही कहा, हम कितने लकी है ना जो हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ दे रहे हैं हमें। और हाँ अंकल हमारे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि आपसे जिद बहस करें, आप ये बताओ कितने हुए इसके? ठीक है तो 200 रुपए हुए इसके। 200 रुपए? तू एक काम कर, ये पकड़ 500 का और 300 रुपए अपनी टिप रख ले। नहीं बेटा मैं ईमानदारी के पैसे कमाता हूँ, ये ट्रिप नहीं लेता हूँ। अरे रख ले, तू भी क्या याद रखेगा कि किसी रईस बाप की औलाद आई थी जो टिप देकर गई है। सोरा चलो। स्टैंड वो भी रेड कलर में? हाँ यार। ये तो इंडियन क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर है ना? हाँ यार ये तो इंडियन क्रिकेट टीम का अभी तक का सबसे फास्ट बॉलर है। हाँ लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये आ इधर ही रहा है। कैसा लगा पापा अपने बेटे को देश के लिए खेलते हुए देख के? अरे बेटा तुमको देखकर अपने बेटे को देखकर सीना चौड़ा हो गया, आजा बेटा। अच्छा देखो गाड़ी लेके आया नहीं, चलो आपको घुमा के ले जाता। हाँ चलो बेटा घूमते हैं। अंकल ये आपका बेटा है? हाँ ये मेरा बेटा है। पर ये तो इंडियन क्रिकेट टीम में है ना? हाँ। और उसके बावजूद भी आप फ्रूट्स बेच रहे हो? तो क्या हुआ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसी काम को करके तो आज मैंने अपने बेटे को इस लायक बना दिया। अंकल वो बात तो ठीक है, और अब तो आपके पास मतलब आपके बेटे के पास इतना सारा पैसा है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? बेटा जब तक हाथ पर चल रहे हैं तब तक कर रहा हूँ, जब हाथ पर नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, बेटा संभाल लेगा। और अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने इतना कमा के दिया है और तुम्हें बड़ी लग्जरी लाइफ दी है और तुम्हें अपने माँ बाप पर इतना घमंड है, तो मुझे अपने बेटे पर घमंड है।
तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लग्जरी लाइफ दी, और भले ही मैं अपने बेटों को लग्जरी लाइफ तो नहीं दे पाया, लेकिन आज मैंने अपने बेटों को इस लायक कर दिया कि वो कभी किसी के भरोसे पर नहीं रहेगा। और आपके माँ बाप का कमाया हुआ पैसा आप इस तरह उड़ा रहे हो, वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर मेरे बेटे का टैलेंट कभी खत्म नहीं हुआ। और तुम्हें अपने माँ बाप पे घमंड होगा, मुझे अपने बेटे पर घमंड है। चले बाबू, चलो बेटा।